हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ एंड हानि। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, जो हेडिंग है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, एंड का मतलब होता है और लॉस का मतलब होता है हानि। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि का यहाँ पर क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और आपको बहुत ही बेसिक तरीका से, बहुत ही शानदार तरीका से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में बिना पेन उठाए बनाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसको 40 रुपये में खरीदी जा रही है। मान लीजिए कि आप कोई किताब खरीद रहे हैं 40 रुपये का और उस किताब को 60 रुपये में बेच देते हैं। मान लीजिए आप कोई दुकानदार हैं, 40 रुपये का किताब लाते हैं और उस किताब को 60 रुपये में बेच देते हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो हमको किताब को बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ या कितना प्रतिशत का हानि होगा, यही हमको यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जा रही है तो हमारा खरीदना का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा यहाँ पर दिया है 40 रुपया। जो क्रय मूल्य है 40 रुपये है और यहाँ पर खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए। बेचना का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे, वो यहाँ पे हमारा 60 रुपये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपये। देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्रय मूल्य हमारा 40 रुपया है, यानी अब 40 रुपये में कोई किताब खरीद रहे हैं और विक्रय मूल्य 60 रुपया, यानी 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं, बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन में हमारे क्रय मूल्य 40 रुपया, विक्रय मूल्य 60 रुपया दिया है और हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो इस तरह लिखने के बाद हमको क्या करना है कि हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने से पहले हमको लाभ या हानि निकालना होगा, क्योंकि लाभ या हानि निकालेंगे तब भी हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकल पाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले लाभ या हानि निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लाभ या हानि बराबर, तो लाभ या हानि बराबर सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ या हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रय मूल्य हमारा 60 रुपया है और क्रय मूल्य 40 रुपये, तो माइनस का हम यहाँ पे 40 कर देंगे। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमको घटाना है, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 20 रुपया जो है यहाँ पर हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। तो हमारा 20 रुपया लाभ हो गया। क्यों लाभ हुआ? क्योंकि ये जो 20 है प्लस में आया है। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं और यहाँ पे माइनस में आता, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 40 रहता और यहाँ पे 60 रहता,
तो हम 40 में से 60 को घटाते हैं तो हमारा माइनस का 20 आता है। तो जब भी हमारा माइनस में आएगा तो वो हमारा हानि हो जाएगा, यानी वो लॉस हो जाएगा। जितना भी अंक हमारा माइनस में आएगा वो लॉस हो जाएगा, और जो भी प्लस में आएगा ये जो है हमको लाभ हो गया 20 रुपये का। तो 20 रुपये का लाभ हो गया, 60 रुपये का विक्रय मूल्य है और 40 रुपये क्रय मूल्य है, और 20 रुपये का जो हमें लाभ हो गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बाटा में क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 और बाटा में क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ गुणे 100 और बाटा में ये क्रय मूल्य है। तो हमारा जो लाभ हुआ है यहाँ पे 20 रुपये का हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और गुना में 100 है तो 100 लिख देंगे, और यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, क्रय मूल्य जो हमारा 40 रुपया है। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ पे 40 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। देख सकते हैं इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बट्टे में है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, और ये 2 से 4 दो मतलब कट जाएगा, और ये इस 2 से ये जो 100 है यहाँ पे 2 5 10 और ये 0 उतर जाएगा, 2 से ये 100 जो है 50 मतलब कट जाएगा। तो हमारा यहाँ जो है हमको यहाँ पर 50% का जो है हमको लाभ मिल रहा है, 50% का जो है हमको लाभ हो रहा है। मान लीजिए कि आप अगर आप कोई वस्तु 40 रुपये में ख़रीद रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी वस्तु 40 रुपये में ख़रीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो मान लीजिए कि आप कोई वस्तु 40 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो 40 रुपये यानी 40 रुपये है जो है 100% है, और 40 रुपये का 50% 20 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पर हम 60 रुपये में बेच रहे हैं यानी 20 रुपये अधिक रुपये में बेच रहे हैं, तो 20 रुपये अधिक जो है वो हमारा 50% हो जाएगा, क्योंकि 40 का 50% 20 रुपया, तो यहाँ पर हम 20 रुपये अधिक बेच रहे हैं, तो हमारे जो प्रतिशत लाभ है वो हमारा यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पर 50% हो जाएगा, क्योंकि हम 20 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, और 40 का 50% 20 रुपये होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी करेक्ट है, 50% का हमको लाभ होगा। तो गाइज आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना। उससे यह फ़ायदा होगा कि जब भी आपका भाई न्यू वीडियो अपलोड करेगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपके मोबाइल पर आता रहेगा। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।